सब्सक्राइब कीजिए फूड ओपीट चैनल को एंड हिट कर दीजिए बेल आइकन को ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो आपको मिलते रहें। फूड ओपीट। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुषमा, आप देख रहे हैं फूड ओपीट। तो चलिए शुरू करते हैं। आज मैं आपसे मसाला आलू एंड सिंपल आलू सैंडविच की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। और अगर यह वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करें एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ब्रेड सैंडविच बनाने के लिए हमने एक प्याज लिया है, ये हरी मिर्च काट लिया है 5 से 6, ये हरी धनिया, ये ब्रेड ले लिया है, एक आलू मैश कर लेंगे इस तरीके से। ये देखिए इस तरीके से मैश करना है। अब हम पैन गर्म कर लेंगे, जब पैन गर्म हो जाए इसमें ऑयल डाल देंगे। अब देखिए ऑयल गर्म हो जाएगा तो मैं इसमें खड़ा धनिया डालूंगी, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है स्टफिंग का। और इसमें थोड़ा आधा चम्मच जीरा डालूंगी, इसमें इसमें जीरा डाल देंगे। मैं इसमें ये देखिए प्याज जो चॉप करके रखा था इसे भी हम डाल देंगे। प्याज को ज़्यादा नहीं भुनना है, थोड़ा ट्रांसपेरेंट होने तक ही भुनना है। हरी मिर्च डाल दिए, अब मैं इसमें थोड़ा हल्दी पाउडर डालूंगी, हल्का डालना है। ये देखिए आप, 2 चुटकी हल्दी पाउडर है, गरम मसाला। अब इसमें थोड़ा आमचूर पाउडर डाल देंगे, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब इसमें मैं आलू डालूंगी, मैस करके रखा था इसे, थोड़ा आलू बचा देंगे। मैं सैंपल सैंडविच बना के दिखाऊंगी भी आपको मैं। ये देखिए इतना आलू मैंने बचा के रखा है। ये देखिए इसे हमें ठीक तरीके से मैश करना है ताकि नमक में सभी तरह अच्छे से मिल जाएगा। ये बच्चों को बहुत पसंद आती है सैंडविच, ये झटपट बनने वाला नाश्ता है, बच्चों के लिए बहुत ही हेल्दी और बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी, बहुत पसंद करते हैं बच्चे। अब मैं इसमें चाट मसाला डालूंगी, चाट मसाला डालने से अच्छा फ्लेवर आता है इसमें और थोड़ा जूसी हो जाता है। देखिए इसमें थोड़ा नमक डालेंगे, नमक स्वाद अनुसार डालना है। ठीक तरीके से मिलाना है इसे। ये देखिए इस तरह से हमें मिलाना है, ये स्टफिंग रेडी हो चुकी है। है ना, ये देखिए कितना अच्छा कलर आ रहा है और बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है। बच्चे इसे बहुत ही चाव से सैंडविच को खाते हैं, ये बहुत ही झटपट बन जाता है। इसमें हम थोड़ा फली दाना डाल देंगे, ये थोड़ा कुछ कुछ चपता है तो अच्छा टेस्ट आता है सैंडविच में। देखिए अब हरी धनिया डाल देंगे हम इसमें, हम इसको इसे मिला लेंगे। ठीक तरीके से मिल चुका है, देखिए स्टफिंग हमारी रेडी हो गई है। इसे एक बाउल में निकाल लूँगी मैं इसे। देखिए चलिए अब ये हम सैंडविच बनाना स्टार्ट करते हैं। इस तरीके से एक ब्रेड में स्टफिंग करना है हमें, आप चाहे तो ज़्यादा भी लगा सकते हैं, बच्चों को जैसे पसंद आए उस तरीके से हमें सैंडविच रेडी करना है। बहुत से बच्चे ज़्यादा आलू पसंद करते हैं। ये देखिए ये चिकन ब्रेड को इस तरीके से हमें रखना है। इसे हम रख देंगे, आप इसे सैंडविच मेकर में भी बना सकते हैं अगर है तो। मैं इसमें फ्राई पैन में बना रही हूँ, इसमें घी लगा देंगे। घी लगाने से बहुत अच्छा टेस्ट आता है सैंडविच का और क्रिस्पी बनती है। इसे हमें ठीक से ऐसे पलटना है और इसे प्रेस करते रहना है ताकि ब्रेड ठीक तरीके से सिक जाए। अब इसमें हम घी डाल देंगे,
दोनों साइड हमें घी डालना है ताकि ब्रेड अच्छी तरह से सिक जाए। ये देखिए हम सेकंड ब्रेड को भी दिखा रहे हैं भरते हुए। इस तरीके से हमें डबल ब्रेड को रख देना है। इसे पलटते रहना है और बहुत ही अच्छे तरीके से सेकना है ताकि ये क्रिस्पी रहे। ये देखिए हम इसमें घी डाल देंगे। आप चाहे तो बटर भी डाल सकते हैं, मैंने अभी बताया था आपको। इसे ठीक तरीके से प्रेस करना है ताकि ठीक से ब्रेड चिपक जाए। ये देखिए हम इसमें भी घी डाल देंगे इस साइड। ऐसे प्रेस करना है। बहुत अच्छा कलर आ गया है इसमें। देखिए हमें गैस को लो फ्लेम पे ही रखना है। लो फ्लेम में सेकने से अच्छी क्रिस्पी बनती है सैंडविच। अब हम इसे काट लेंगे बीच में से। इस तरीके से काटना है ठीक से। ये देखिए देखिए कितनी क्रिस्पी बन गई है। और बच्चे तो इसे बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं। ये देखिए इसे भी काट लेंगे हम। आप बाहर निकाल के भी काट सकते हैं। ये हमने आप इसे तवे में भी बना सकते हैं, जो रोटी का तवा है इसमें भी बन जाता है। ये देखिए सैंडविच बन चुकी है। अब मैं सेकंड सैंडविच बताऊंगी, सिंपल सैंडविच बताना। ये देखिए आलू जो मैंने रखा था वो, इसमें मैंने हरी मिर्च डाल दिया है। इसमें थोड़ा चुटकी भर हल्दी पाउडर डाल देंगे। सिंपल सैंडविच भी बहुत अच्छी टेस्ट लगती है। ये देखिए मैंने इसमें अमचूर पाउडर डाल दिया। इसमें हम डालेंगे चाट मसाला डालेंगे। स्टफिंग में चाट मसाला का बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। ये थोड़ा नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार। धनिया डाल देंगे, धनिया पत्ती। इसे हम अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। ये देखिए हमारी सिंपल सैंडविच की स्टफिंग रेडी हो गई है। इसमें हम थोड़ा घी लगा लेंगे। अब इसे इस तरीके से हमें स्टफिंग करना है। ये देखिए और सेकंड ब्रेड को इसमें ऐसे इस तरीके से रख देना है। अब मैं और एक ब्रेड रेडी करूँगी इस तरीके से। इसे भी हम इसी तरीके से स्टफिंग कर देंगे। सिंपल सैंडविच का टेस्ट भी बहुत ही अच्छा रहता है। अलग टेस्ट रहता है, दोनों का अपना अपना टेस्ट रहता है। देखिए हम इसे ठीक तरीके से सेक लेंगे। गैस को ज़्यादा तेज़ नहीं रखना है। वैसे मैं इसमें इंडक्शन में बना रही हूँ। देखिए घी लगा दी हमने दोनों साइड। अब इसे हम ठीक से प्रेस करेंगे। प्रेस करने से सैंडविच ठीक से सिक जाती हैं। ये देखिए और बहुत ही अच्छी क्रिस्पी बनती हैं घी लगाने से। वह मस्त खुशबू आती है सैंडविच की। आप इसे बच्चों को टिफ़िन में भी दे सकते हैं। इसे बच्चे खासकर टिफ़िन में लेके ही जाते हैं लंच में, और बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं बच्चे इसे खाना। ये अच्छा हेल्दी नाश्ता रहता है। ये झटपट बनने वाला नाश्ता है। इसे आप ज़रूर बनाइए। आप इसमें सॉस चटनी दोनों लगा के खा सकते हैं। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है और बच्चे वैसे भी सॉस ज़्यादा पसंद करते हैं। ये देखिए हमारी सैंडविच बन के रेडी हो चुकी है। इसी तरीके से उम्मीद है दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।